तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने गांव अपने खुद के घर पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 5 बज चुके हैं, तो अभी हम उठे हैं। तो गाइस अभी जाना है अभी गांव पे, बताया था साइकिल से जाएंगे आज। भाई आज हम तो आज थोड़ा लेट हो गए, अभी हमको निकलना है, बस चाय नाश्ता रख ले थोड़ा, फिर निकलते हैं यहाँ से। और बैग पैक कर लिया अपने साथ, सामान पैक कर लिया, चलते हैं आराम से। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है काफ़ी। और हमने सोची भी रहा थी इतना लंबा सफ़र करना पड़ेगा हमको, देखो आराम आराम जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग के लिए, वरना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बस से ही जा सकते हैं। बट मुझे कुछ अलग करना है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो गाइस जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करें, उतना वीडियो ये शेयर करें गाइस प्लीज़। अब थोड़ा दिन भी हो गया काफ़ी, देखो तो हम जब तक पहुँचेंगे तब तक धूप हो जाएगी, तो फिर चलें जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए, टाइम भी हुआ 5:15 हो गया। तो गाइस हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतना लंबा सफ़र करने जा रहे हैं, वो भी साइकिल से। अरे बाप रे बाप, मतलब है तो छोटा सफ़र, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट साइकिल के हिसाब से तो बहुत बड़ा है यार। इतनी लंबी साइकिल कौन चलाता है, मैंने तो किसी ने नहीं देखा है। भाई आज तो मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस हम पियानी चुंगी पहुँच चुके हैं एंड अब हमें यहाँ से आराम आराम जाएंगे। सो भी गाइस हम ओवर ब्रिज पे पहुँच चुके हैं एंड इस पर चलाई बात काफ़ी है यार, बहुत थक गए भाई। चलना तो बहुत है, अभी थकना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं थकना है, चलना है बस। ये 5:30 हो चुका है अभी से, तो हम करीब 6 बजे तक की पूरा आदर पहुँचेंगे और फिर भाई 7 हो जाएगा हमारे ख्याल से, 7 बजे 6:30 तक ही हम यहाँ पहुँच जाएंगे लग रहा है सर। तो भाई चलते हैं, अभी देरी ना करते हैं और चलते हैं फिर। ओके हम बहुत आगे आ चुके हैं और यहाँ से अभी पिहानी 22 किलोमीटर है, हम 5 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं, तो अभी 22 और जाना है। 22 पिहानी है और ऊपर से 4 हमारा गांव है वहाँ से। तो आपको हम सीधे पूरा हाथ में मिलते हैं, क्योंकि हम साइकिल चलाते रहेंगे, रुकना नहीं है, नहीं तो पहुँच नहीं पाएंगे ना इस चक्कर में, तो चलते हैं फिर गाइस। ओके गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड सनराइज भी हो चुका है, सुबह हो चुकी है काफ़ी। और पता है गाइस हम पूरा आवाज़ पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर पर रह गया यहाँ से। गाइस ये रहा पूरा आवाज़, अभी मेरे को यहाँ से चलना है 18 किलोमीटर। और वाह क्या मस्त व्यू है ये देखो। सो गाइस अपन पूरा आवाज़ पहुँच चुके हैं, बिलीव नहीं हो रहा हमने सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट में पहुँचा दिया हरदोई से पूरा आतुर, और 10 किलोमीटर है वहाँ से। तो अभी मेरे को जाना है 22-23 किलोमीटर अभी और जाना है मेरे को, तो भाई आज 23 पूरा जाना है यहाँ से, अभी 23 किलोमीटर है पियाने, यहाँ से 18 है पूरा। ये बहुत साथ देती है मेरा, बहुत, जब भी कहीं भी आता हूँ इसे भी लेके जाता हूँ। गाइस रोड सही है, बढ़िया है, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। आपको एक मंदिर दिखाते हैं, श्री सिद्धिदात्री देवी मंदिर, और कितना मस्त बना है देखो, क्या प्यारा लग रहा है यार यहाँ से। वाह यार भोलेनाथ का भी मंदिर है, जय भोलेनाथ, गजब यार मस्त लग रहा है। एंड यहाँ से अभी हमको बहुत चलना है, यहाँ से काफ़ी टाइम लगेगा। तो गाइस हम हरियामा मीर पहुंच चुके हैं, बस ये क्या है साइड साइड दिखा रहे हैं आपको, ये देखो और यहाँ पर कितनी मस्त गैलरी बनी है, देखो रोड के साइड साइड में पेड़ लगे हैं कितने मस्त मस्त। अभी पियानी 12 किलोमीटर है यहाँ से। गाइस हम हरियामा मीर पहुंच चुके हैं, आप साइड में देख लेंगे, ये है हरियामा मीर गाइस, यहाँ पे चीनी बनती है। तो गाइस काफ़ी सफ़र कर लिया एंड मज़ा भी आया, बहुत मज़ा आया। इतना मतलब सुबह निकले थे हम 5:30 बजे से, वह बाद निकले थे एंड गाइस अभी टाइमिंग हो रही है
गाइस सुबह के अभी 6:30 बज चुके हैं एंड हमारे ख्याल से हम 7:45 तक पहुंच जाएंगे। चलते हैं अब हम फिर बिना रुके हुए करते हैं, फिर से अपना सफ़र पूरा करते हैं। आज से पूरा करना है, हमें लग नहीं रहा था कि हम पूरा कर पाएंगे, खैर पूरा तो कर लेंगे आज। बस अब आप लोग सपोर्ट करें, मज़ा आएगा। तो भाई चलते हैं फिर। ओके सो भी गाइस हम हरियाली पहुँच चुके हैं एंड ये बैकग्राउंड में हरियाली है। अब यहाँ से करीब करीब बिहानी बचा है 3 किलोमीटर। तो भाई बहुत थक गए, इतनी गर्मी लग रही है, कहने सुबह सुबह यार इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी पूछो ना, बहुत गर्मी है। तो सोच रहे थे कि थंबनेल के लिए कोई फ़ोटोज़ ले लें, फिर चलते हैं एकदम ख़तरनाक सी। तो गाइस अब हम थंबनेल की फ़ोटो लेते हैं, चलते हैं। अभी 7 बज चुके हैं, हमें 8 बजे तक ही पहुँचना है यार। एक तो हमारे बिहानी से गाँव तक की रोड इतनी बेकार है, बहुत बेकार रोड है यार, बहुत बेकार है। आप बताओ हम वहाँ से यहाँ तक ही आ गए साइकिलिंग करते हुए, बताओ मज़ा आ गई। तो फोटोज ले लेते हैं फिर चलते हैं गाइस। ओके तो भी गाइस हम चलते हैं, अब हमारे चलते हैं, 2-3 फोटो शूट किए हैं एंड आगे भी कर लेंगे, लोकेशन अच्छी दिखेगी हमको तो कर लेंगे। एंड अब चलते हैं भाई, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, मतलब इतनी गर्मी लग रही है, पसीने बिल्कुल भीग गए हैं। तो भाई अब चलते हैं, और आज विश्वास नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कि मैंने इतना लंबा सफ़र कर लिया। गाइस हम बिहानी पहुंच चुके हैं, आज काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। अब ये रही रास्ता हमारे गांव के लिए, सीधे रोड देखो, ये रोड है, वो रोड सही थी तो चला है, यहाँ जाना पड़ेगा सीधे। चलो चलते हैं गाँव भी, एंड टाइम भी हो गया, 7:30 बज चुके हैं, 7:26 हो चुके हैं। चलो चलते हैं, हम अपने गांव की नहर के पास पहुंच चुके हैं। हाँ गाइस ये नहर पड़ती है हमारे गांव जाओ तो पड़ती है, इस पर पानी कितना साफ़ है यार, पानी तो साफ़ है। खैर ये रोड गई है मेरे गांव के लिए, यहाँ से थोड़ा ही पास है गया, बस गाँव पहुँचने वाले हैं, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है, 2। तो चलते हैं अभी। गाइस हम पहुँच गए फाइनली अपने गाँव, हो गाँव पहुँच गया यार, मज़ा आ गया। तो गाइस अभी चलते हैं घर, घर पहुँचने वाले हैं जस्ट अभी, एंड काफ़ी मज़ा आ गया यार, मतलब इतना लंबा सफ़र किया है हरदोई से साइकिल से, ये कहीं हैं रोडे सब मेरे गांव की तरफ, एंड भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है आज। तो फाइनली गाइस हम आ चुके अपने गांव, अपने खुद के घर पे यार, सुकून मिल गया एंड काफ़ी मज़ा आया, इतना सफ़र किया। एंड अभी आए दादी एकदम चौंक गई, कह रही अरे इतना लंबा सफ़र करके आए, मतलब साइकिल से आए, मतलब बस से आए होंगे, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल पसीने भीग गए, पंखे बैठे हैं अभी, अल्लाह पंखा हमारे सामने, और उनको दादी गई हैं हमारी घर पे पानी भरने, अभी शरबत बनाएंगे ठंडा ठंडा। एंड भाई साइकिल हमने बाहर खड़ी कर दी अपनी, भाई ये कितना साथ देती यार, हमने सोचा नहीं था कि ये आएगी मेरे साथ इतना लंबा तक चली आएगी, बाप रे बाप। गाइस हमारे पैर भी कितने मजबूत है, इनका साथ है भाई, यही लेके आए उनको, यही है जो मुझको लेके आए वहाँ तक की, वरना मेन उसके लिए चाहिए हिम्मत, मेन अगर दम है, हिम्मत दम तो भाई सबके अंदर होती है, बस हिम्मत नहीं होती किसी की, लोग सुन के डर जाते हैं कि इतना कौन चला पाएगा यार, हाय रे इतना कौन चलाएगा, इतना कौन चलाएगा, बट नहीं यार होता है यार, हम लोग कोशिश करने वाली कभी हारते नहीं, हमने ऐसा कि सोचा नहीं था कि हम इतना साइकिल चला के आएंगे, इतनी साइकिल चला के आएंगे इतनी, खैर लेके आए एंड आज वो टारगेट पूरा कर लिया। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम गांव लेके जाएंगे साइकिल, लेके गांव जाएंगे, हमने इतने दिन प्रैक्टिस की, हमने कहा देख लें साइकिल चला पाते हैं कि नहीं, अभी तो हम गाँव आए हैं, अभी मैंने इतना सफ़र किया है, और मैं हो सकता है अगर ये वीडियो बढ़िया चल गया तो मैं इससे भी लंबा सफ़र करूँगा, इससे भी लंबा जो आपने सोची भी ना होगी। तो अभी गाइस यहाँ पे तो सुनसान बड़ा एकदम, यहाँ पे कोई है ही नहीं, ये राज का घर है, राज के घर में पड़ा है ताला, क्योंकि राज ने अपने नानी के यहाँ, तो यहाँ पे मस्त लग रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है पेड़ों के बीच में, गाँव में यही तो अच्छा लगता है। तो गाइस इतना मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छा लगा काफ़ी, सोचा नहीं था कि हम मतलब साइकिलिंग सिखाएंगे अपने गाँव पे यार, मतलब क्या बिलीव नहीं हो रहा यार, मज़ा आ गया। तो गाइस ये रहा हमारा खूबसूरत सा घर, मेरा गांव। एंड तो गाइस मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, और आगे का आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। तो हम तो भाई आए थे साइकिल से, भाई आज काफ़ी मज़ा आया
एंड अभी ना तो शाम हो रही है, खैर अभी हमने थोड़ा रेस्ट किया था, सोया था दोपहर में, और अभी जाएंगे टहलने, तो वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखें ना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। ओके, तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया लाइक कर देना, एंड जो भी चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। गाइस बहुत मेहनत लगी है इस ब्लॉग को बनाने में, तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.